ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह का आयोजन गोरखनाथ मंदिर स्थित स्मृति भवन में किया गया। इस मौके पर सीएम योगी सहित देश के कोने कोने से आए संतों ने महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह की शुरुआत छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुई। साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के समापन अवसर पर राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंत अवैधनाथ महाराज समन्वय, सहनशीलता, संस्कार, प्रखर राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा की प्रतिमूर्ति थे। गोरखनाथ मंदिर के स्वरूप का जो खाका महंत दिग्विजय नाथ ने तैयार किया था उसे महंत अवैधनाथ ने उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि रामराज की स्थापना तभी होगी जब समाज आगे आएगा। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी राम कमल दास वेदांती, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद स्वामी, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सहित अन्य संतों ने संबोधित करते हुए महंत अवैधनाथ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश समाज के कार्यों को बताते हुए कहा कि अयोध्या में अगर राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो उसके कर्णधार महंत अवैधनाथ ही थे।
जी। जिस दिन मेवाड़ की धरती से राष्ट्र के स्वाभिमान को लेकर हिंदुत्व की ध्वजा को लेकर जो कि महान दिग्विजय नाथ गोरखपुर की ओर आए थे, और आज वैद्यनाथ जी का शरीर नहीं भोज महंत वैद्यनाथ जी का शरीर नहीं, लेकिन शरीरों के अंत से लेकिन आत्मा की यात्रा करती है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि महंत दिग्विजयनाथ जी का शरीर, महंत अवैधनाथ जी का शरीर अलग अलग भले रहा, लेकिन तीनों शरीरों में जो प्राण था, दोनों शरीरों में जो प्राण थे, दोनों शरीरों में जो आत्मा थी, वो आज आदित्यनाथ के रूप में मुझे करवाए सामने। से नाम अयोध्या चलते हैं तो अयोध्या से अकेले चलते हैं, लेकिन जब लंका के रामेश्वर के उस पवित्र तट पर पहुंचते हैं तो उनके साथ पूरा देश खड़ा होता है। जब हम दिग्विजयनाथ चले तो मिट्टी भजा लेकर भले ही उनके साथ कुछ मुट्ठी भर लोग रहे, भले ही कुछ विशेष लोग रहे, लेकिन आज लोग यात्रा उन्होंने आज के वर्षों पूर्व प्रारंभ की थी, वो यात्रा पूर्णता तक पहुंच चुकी है ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन यात्रा ने जिन मंजिलों को पार किया वो मंजिलें इस इतिहास की, इस देश के इतिहास की मंजिलें बन गई हैं। भगवान श्री राम की मुक्ति का, भगवान श्री राम की जन्मभूमि की मुक्ति का संदेश देश को देने का मन अनायास ही बनाया। उन्होंने देखा कि इस राष्ट्र की चेतना जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हो सकती है, स्वाधीनता के भगवान श्री राम का नाम उपयोगी हो सकता है, तो राष्ट्र रचना के लिए भी इस नाम का उपयोग होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति के नाम का लड़ाई करने को मन सड़क
जिनका सानिध्य गोरखपीठ में संचालित होने वाले इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपीठ के साथ साथ गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को भी प्राप्त होता है। मेरे पुत्र गुरुदेव की यह चतुर्थ पुण्यतिथि है, जिसे पूर्व के सभी सम्मेलनों में चार वर्ष पूर्व के जितने भी सम्मेलन हुए थे उन सभी सम्मेलनों में उनका सानिध्य प्राप्त होता था। तब भी देश और समाज से जुड़े विभिन्न पक्षों को लेकर के यहाँ पर उन सभी संबंधित विषयों पर आधिकारिक वक्ताओं के द्वारा अपने वक्तव्य दिए जाते थे और फिर उसके अनुरूप समाज में व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम चलता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपीठ ने इस कार्यक्रम को अनुमत रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि विगत वर्ष ही इस वर्ष में गोरखपीठ के जुड़े हुए दोनों पूज्य पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने जिन गुरुओं के लिए, जिन आदर्शों के लिए अपना पूरा जीवन जिया था, देश और समाज से जुड़े हुए उन सभी भक्तों को लेकर के न केवल संगोष्ठी के कार्यक्रम अभी तो उसको हम व्यवहारिक धारा पर भी उतार सके, इसके लिए भी अनेक प्रकार के आयोजन इस गोरखपीठ के द्वारा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज पूज्य महाराज जी की चतुर्थ पुण्यतिथि है। विगत 7-8 दिनों से जो विभिन्न प्रकार के आयोजन गोरखपीठ में चल रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका सानिध्य हर स्तर पर आज भी हम सबको प्राप्त होता है। मुझे याद है जब 2001 में पूज्य महाराज जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, दिल्ली के पोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे गोरखपुर ले चलो। मैंने कहा आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप कहना रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा देखो तो एक दिन शरीर छोड़ना ही है, ये शरीर नश्वर है और इसलिए अब देर मत करो, मुझे ले चलो। लेकिन मैंने जीत लिया, मैंने कहा नहीं आपको यहाँ रहना आवश्यक है, आप एक सप्ताह रुक जाइए, अगर आपको लाभ होता है तो यहाँ हम लोग फिर आगे रहेंगे, नहीं तो फिर गोरखपुर लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरा शरीर अगर हॉस्पिटल में छूटेगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे विश्वास था कि स्वस्थ हो गए और 2001 में ऑपरेशन उनका बहुत बड़ा था, उनको पैंक्रियास का कैंसर हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने ऑपरेशन कराया था। डॉक्टर ने कहा कि देखिए इस मामले में उनकी उम्र को देखते हुए सफलता की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो दे रहे हैं और अगर ऑपरेशन हो भी जाता है तो यह सफल हो भी जाता है तो माइक 5-7 से ज्यादा नहीं होगी। मैंने कहा भी आप क्यों बोलते हैं, जिंदगी देने का काम आपका नहीं है, आपको अपना कार्य करना चाहिए, ये कार्य ऊपर वाले का है, कितने दिन रहना है कितने दिन नहीं रहना है ये कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता, आपका जो कार्य है अपना कार्य करें। उसके बाद पूर्ण स्वस्थ हुए, पूर्ण स्वस्थ होने के बाद वे गोरखपुर आए, जो सभी प्रकार की भविष्यवाणियां थी कि इस ऑपरेशन के बाद माइक 5-7 से ज्यादा नहीं, उसके बाद 13-14 वर्ष पूर्ण स्वस्थ रह करके हमारे बीच में रहे। मैं उनको लेकर के मैदान पर गया, जब मैदान
लगभग 2 महीने हम लोग मैदान में आए थे। उस समय 11 सितंबर को आश्विन कृष्ण तृतीया थी, यहाँ पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न करके और मैं उसी दिन शाम की फ्लाइट से दिल्ली गया। उसी दिन सुबह में आया था, फिर शाम की फ्लाइट से दिल्ली गया। तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुझे तत्काल जानकारी मिली कि महाराज जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, दिन में ज्यादा खराब हुई है। मैं सीधे हॉस्पिटल नहीं जाना था, मैं सीधे हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल की स्थिति को मैंने देखा, वहां पर मॉनिटर लगे हुए थे, जितने भी वहां के उपकरण थे सभी सहायक उपकरणों को देखने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, सब मौन थे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो मैंने समझा कि नहीं, अब तो यह अब समय आ गया है कि जो महाराज जी के बाद मुझे आज से 13-14 वर्ष पहले कहा गया था कि मेरा शरीर छूटेगा तो गोरखपुर में छूटना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं छूटना चाहिए। तो मैं उसी दिन रात्रि को निर्णय किया, मैंने तत्काल किया एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंस करके मैंने कहा गोरखपुर हम लोग कल चलेंगे। कितने ही दिन में अंतिम वार्ता उनकी अशोक सिंघल जी के साथ हुई और वह वार्ता कितनी मुश्किल से 1 मिनट की। गोरखपुर से जब अस्वस्थ हुए तो उन्होंने बात करना लगभग लगभग बंद ही कर दिया था। कभी कभार 1-2 सालों में उससे कुछ बात करते थे, लेकिन जब अशोक जी उनको देखने के लिए आए तो लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को दोनों तो देखते रहे और अंत में उन्होंने मुझे जाना ही था अशोक जी के बारे में, अशोक सिंघल जी के बारे में कि अशोक जी कैसे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठीक हूं लेकिन आपकी तबीयत कैसी है। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद लगातार वह जीवन रक्षक उपकरणों के साथ हॉस्पिटल में उनका उपचार चलता रहा। कभी ठीक होते थे, कभी फिर खराब होती थी तबीयत, लगातार चलता रहा। लेकिन मैं इस बात को देख रहा था कि लगभग यानी ठीक 2 महीने वह अपोलो में रहे, मेरा तो हॉस्पिटल में रहे और 2 महीने रहने के बाद जब मैं उनको एम्बुलेंस से लेकर के एम्बुलेंस से गोरखपुर लेके आया और तो उनकी पुण्यतिथि या ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को हम अपने पंचांग के अनुसार हिंदी तिथि के अनुसार ही करते हैं, सब आयोजन करते हैं। लेकिन अंग्रेजी की तिथि अगर आप देखेंगे तो वह 12 सितंबर की तिथि थी, 12 सितंबर 2014। और जैसे ही एयरपोर्ट से उनको लेकर के हम लोग इस कैंपस में आए, वैसे फिर सर्वे शांत हो गया। यानी जो 13-14 वर्ष पहले उन्होंने एक बात जो कही थी कि मेरा शरीर शांत हो तो गोरखपुर में हो, हॉस्पिटल में ना हो, और मुझे लग रहा है कि वही उनकी जो इच्छा थी। तो अचानक मेरा निर्णय लेना, क्योंकि 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लगातार इस बारे में हम लोग करते रहे कि ठीक होंगे ठीक होंगे, कभी ठीक होते थे कभी स्वास्थ्य का खराब होता था, लगातार चलता रहा। लेकिन अंतिम समय में जब मुझे लगा कि अब सहायक उपकरणों के द्वारा भी उतना सपोर्ट मिल नहीं पाएगा, अंतिम समय का जो निर्णय लिया गया उसका परिणाम किस रूप में, इन्होंने इच्छा उनकी थी कि मेरा अंतिम शरीर गोरखपुर में ही छूटे और वही हुआ। आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि है। हम सब मिलकर 1 सप्ताह के इन सभी कार्यक्रमों के साथ कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रहा हो, विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों के कार्यक्रम रहे हो, इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम लोग जुड़े रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की परंपरा को अछूने बनाए रखने ये उनके जीवन का ध्येय था।
उसको लेकर के उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था, उसको लेकर के वे लगातार कार्य करते रहे। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी कहीं कोई समझौते की कोई गुंजाइश इन सब मुद्दों में नहीं, कहीं नहीं। और फिर गोरखस्पीड के माध्यम से सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाना, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मन बस्तियों का हो, समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में जहां कहीं भी अपनी क्षमता से योगदान देने की बात हो सकती थी, उनके स्तर पर ये कार्यक्रम लगातार चलते थे और चल रहे हैं। गोरक्षा का आपने देखा होगा, जब भी वो गोरखपुर रहते थे तो एक समय वो गौशाला जरूर जाते थे, अक्सर सुबह के समय जाते थे, अगर कहीं बाहर है किसी कार्यक्रम में शाम के समय जाते थे। गोरक्षा कैसे होनी चाहिए? गोरखनाथ मंदिर की गौशाला लगभग प्राय भारत के सभी भारतीय नस्ल का गोवंश मौजूद है और उस गो की सेवा, गो के लिए हर प्रकार की सुविधा हो, इसके बारे में निरंतर उसको वे स्वयं देखते थे। हम गो रक्षा की बात बहुत करते हैं लेकिन क्या सही मायने में गो सेवा कर पा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने घर में गौ गाय को रखना चाहता है लेकिन गाय का दूध निकाल करके सड़कों पर छोड़ता नहीं है। और मुझे लगता है गोरक्षा केवल गौ के संरक्षण के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। गौ माता का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होगा जब हम उसके लिए कार्य करेंगे। और हम लोगों ने जो प्रदेश में स्थापित व्यवस्था की, जितने भी अवैध उचर नाले थे इन सबको हम पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर चुके हैं। आज जो वंश है इसके संरक्षण के लिए भी प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है और प्रदेश सरकार भी कार्य करेगी और समाज भी अगर उसी एक निष्ठा के साथ इसके साथ जुड़ जाए तो सही मायने में गौ रक्षा भी होगी और गौ का संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी। गंगा रक्षा का कार्य कितना बृहद अभियान में चल रहा है, गोमुख से लेकर के गंगा सागर, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। समाज की निर्भरता जब तक केवल सरकारों पर रहे तब तक समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। समाज अपना कार्य करे, सरकार अपना कार्य करे। सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही है, कदम उठा चुकी है बड़े पैमाने पर, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी नगर, किसी भी महानगर, किसी भी औद्योगिक इकाई का कोई कचरा, कोई सीवरेज, कोई ड्रेनेज गंगा जी या गंगा जी की सहायक नदियों में न गिरे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान चलाया गया स्वच्छता मिशन के अंतर्गत कि गंगा के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में जितने गांव हैं इनको खुले में शौच से मुक्त किया गया। पूरे देश के अंदर एक बड़ा अभियान चल रहा है कि हर परिवार के पास उसका व्यक्तिगत शौचालय भी हो। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पर एक अभियान को हाथ में लिया है लेकिन क्या समाज को इस अभियान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी इसके साथ नहीं? आज भी हम देखते हैं भारत का सनातन समाज अपने यहां कोई भी करने वाली नदी है उसको गंगा का प्रतिरूप मानता है, उसकी पूजा उसकी अर्चना करता है लेकिन उसमें गंदगी करने से परहेज भी नहीं करता। सिर के बाल कटवा करके नदी में छोड़ देते हैं, कोई जानवर मरता है उसको नदी में छोड़ देते हैं,
लेना छोड़ते हैं। गांव में पैसा है, ग्राम सभा के पास पैसा है, नगर पंचायतों के पास पैसा है, क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि कोई भी गंदगी या गांव का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, हम उसकी स्वच्छता के, उसकी निर्मलता के लिए प्रयास करें। ये केवल सरकार के भरोसे रह करके नहीं होगा, सरकार अपना कार्य निष्ठा पर करेगी लेकिन समाज को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा और समाज जिसने सरकार के संविधान के साथ जुड़ जाएगी, गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता में कोई देर नहीं लगेगी। और मैं इस बात को फिर कह सकता हूँ, संत समाज यहाँ पर है कि कुंभ के समय हम उनको अविरल गंगा देंगे और निर्मल गंगा भी। अयोध्या में हर व्यक्ति इच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की, मुझे लगता है कि भारत का अवसर के समाज इस बात का पक्षधर है, लेकिन इस बात को भी देखना होगा, इस देश की बड़ी आबादी ये हमारी आस्था का विषय है, समाज तय कर रहा है, लेकिन राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए भी हम सबको पुरुषार्थ का परिचय भी देना पड़ेगा। गरीबों को आवास, बुनियादी सुविधाएं मिल सके, जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं उनको शौचालय उपलब्ध कराया जा सके, जिनके पास अपने आरोग्यता को दूर करने के लिए साधन नहीं उनके लिए आरोग्य निधि की व्यवस्था की जा सके, जिनके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं उसके पास विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध हो सके, जिनके पास पेयजल की व्यवस्था व्यापार पैदा हो, इस प्रकार की एक व्यापक स्थिति हमें तैयार करने के लिए सरकार इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के दिशा में जो प्रयास प्रारंभ है, कोई सोच सकता था इस देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की कवर मिलेगी, कितनी बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी। भारत और चीन को आप छोड़ दें तो दुनिया की किसी भी देश की आबादी 50 करोड़ नहीं होगी, और हमारे देश में 50 करोड़ जनसंख्या को एक साथ आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का एक वर्ष के लिए 5 लाख का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है, कितना बड़ा कार्य है। करोड़ों लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, करोड़ों लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा रहे हैं, 4 करोड़ परिवार आजादी के बाद ऐसे हैं जिनके पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे उनको विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मुझे लगता है राम आस्था के विषय है, राम को रोटी के साथ जोड़ करके भारतीय समाज ने सदैव अपने परंपरा को आगे बढ़ाया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ साथ एक गरीब के लिए रोटी की व्यवस्था भी हो, उसके सम्मान की रक्षा भी हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और संकल्प समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो अभियान आज मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के सामने साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी मुझे संतों के साथ साथ देश की जनता जनार्दन का सहयोग और उनका आशीर्वाद आवश्यक है। आपको क्या लगता नहीं कि भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद योग हजारों वर्षों से विरासत चली आ रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम तभी क्यों होता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। 21 जून देश के अंदर योग दिवस के रूप में प्रसिद्ध होता है। आज दुनिया के 192 देश योग के साथ जुड़ करके भारत की सनातन आस्था के प्रति अपना सम्मान प्रभाव व्यक्त करते हैं, भारत की इसी परंपरा के प्रति सम्मान प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं।
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। संस्कृति के संवर्धन का एक नया तरीका है, विश्व पटल पर एक बार अपना भारत की संस्कृति के धरते को बजाया जा सके, वहां पुनर्स्थापित किया जा सके, उस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में भारत के प्रत्येक नागरिक का सहयोग भी अपेक्षित है। हम सबको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, हम सभी को इन दवाओं के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन भारत का हर नागरिक इसके साथ जुड़ेगा वह दिन भारत का अपना दिन होगा, वह दिन भारत के लिए गौरवशाली दिन होगा, उस दिन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस स्फूर्त भाव के साथ सारे कार्य होते हुए दिखाई देंगे, और मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं इस दिशा में उसकी आहट आप सबको कहीं ना कहीं सुनाई देती है। हमें अपने दृष्टिकोण को देखना पड़ेगा, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, जो आहट सुनाई दे रही है आप सब उसके स्वागत की तैयारी करिए, और हम आप सबको इस बात पर विश्वास कर विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय भारत का समय है, भारत के ऋषि का समय है, ये अपना पूरा जीवन समर्पित किया उसका समय है, और वह समय एक एक घटनाएं जिस प्रकार से घटित हो रही है या उसकी पूर्व लक्षण के साथ साथ आगामी भविष्यवाणी का भी संकेत कर देता है। आज के अवसर पर मैं आभारी हूं अपने पूज्य संतों का, जगत गुरु शंकराचार्य जी यहां पर आए, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी यहां पर आए, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी यहां पर पधारे, हमारे सभी पूज्य वरिष्ठ संत रामचंद्रभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत गोपालदास जी महाराज का आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ हमारे गोरखपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, विभिन्न संगठनों के सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारीगण, महाप्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के हमारे प्रधानाचार्य आचार्यगण, छात्र छात्राएं, सभी जिन्होंने सबने इस पूरे आयोजन में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन सबको आज की अवसर पर मुझे महाराज एक सफल आयोजन के इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी जितने भी सज्जन हैं उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, मुझे संतों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं लेते हुए पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संपूर्ण हिंदू समाज को निरंतर प्राप्त होता रहेगा इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।